Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video I'll be sharing with you guys a makeup video जो कि मैं ब्लैक स्मोकी आई करूँगी विद ओनली टू आई शेडो एंड रेड लिपस्टिक. सो हियर वी गो. ओके, सो सबसे पहले मैंने अपने हेयर को क्लिप कर लेना है, फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है एंड उसके बाद मेकअप स्टार्ट करना है. तो रबर बैंड या क्लिप या किसी भी चीज़ से आप अपने हेयर क्लिप कर लो या साइड में कर लो. ठीक है, ऐसे आई फील कि जब भी आई क्लिप माई हेयर उसमें थोड़ी ज़्यादा और लगती है, बट ओके मैं मोस्टली ऐसी लेती हूँ. फिर क्लिप कर लिया है. नीचे से बिल्ली मुझे मेरे पैरों को काफ़ी काट रही थी बिकॉज मैंने उसे ज़बरदस्ती उठा के टेबल से नीचे फेंक दिया था और उसे ऊपर रहना था. तो मॉइस्चराइज़र आपके पास जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हो. मैं फ़िलहाल दिस लाइक मेरा स्किन काफ़ी ड्राई है तो मैं जॉनसन का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ 24 आवर्स वाला एंड आई एम यूजिंग अ पास्टल क्रीम एज वेल. ओके, तो सबसे पहले आपको अपने हाथ पर भी थोड़ा सा लगाना है कि आपका हाथ थोड़ा हीटअप हो जाए एंड जब आप फेस पे अप्लाई करो फिर फिंगर से या हैंड से तो वो अच्छे से अपने स्किन पर सारा मॉइस्चराइज़र एब्जॉर्ब हो जाए. ठीक है, तो आप अपने मॉइस्चराइज़र को कैसे भी फेस पे लगा सकते हो, लाइक टैप 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 करके या फिर सर्कुलर मोशन में. बस मेक श्योर कि एब्जॉर्ब हो जाए. थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना होगा, थोड़ा सा फेस को मसाज करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो इट्स ओके, इट्स ऑप्शनल. ठीक है, रिमेनिंग मॉइस्चराइज़र या क्रीम होता है वो मैं अपने हाथ पर रब कर लेती हूँ, ये मेरा हैबिट है. सो पास्टल क्रीम अब ये मैंने थोड़ा सा अमाउंट में लेना है एंड ये इट्स अ काइंड ऑफ गिव लाइक शाइनी ग्लो ऑन फेस. सो मैं ये लाइक नोज पर और हाईलाइट पोर्शंस पर अप्लाई करूँगी, दैट्स इट. एंड जो रिमेनिंग रहेगा उसको मैं हल्का 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 टैप टैप करके ऑल ओवर द स्किन लगा लूँगी. ठीक है, ओके. सो अब थोड़ा सा टाइम इसे एब्जॉर्ब होने रखते. लाइक हमने अपने स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है तो अब हमारे लिप की टर्न. इसे भी हम अच्छे से बिकॉज लाइक विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा हमारे लिप्स ये जो ड्राई हो जाते हैं तो थोड़ा लिप स्क्रब कर लेते हैं बिफोर लाइक डूइंग एनीथिंग. और लिप बाम अप्लाई कर लीजिएगा और जो भी साइड्स पर आपके एक्ने हो, लाइक मेरे फेस पर पहले तो नहीं थे बट अभी बहुत एक्नेज आ रहे तो स्पॉट्स हैं तो वो आई एम अप्लाइंग टू हाइड ऑल दोज ओवर माय चेक्स. थोड़ा थोड़ा जो सेम फाउंडेशन और सेम कंसीलर शेड्स है आपके पास तो उससे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ब्लैक एरिया होगा या ब्लैक होगा. मैं मोस्टली बहुत कम अमाउंट में लाइक अप्लाई करती हूँ ऑल दिस क्रीम. जितना लाइक थिन लेयर ऑफ मेकअप यू विल बी अप्लाइंग ऑन योर फेस उतना ज़्यादा बेटर लगता है. लाइक मोर केकी और मोर अमाउंट ऑफ अप्लाइंग एनीथिंग लाइक फाउंडेशन और समथिंग विल नॉट लुक गुड ऑन योर. और वन मोर थिंग इज लाइक इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑल दिस एंड यू हैव अ ड्राई स्किन सो यू डोंट नीड टू बेक योर फेस, यू डोंट नीड टू अप्लाई सम पाउडर कॉम्पैक्ट और एनीथिंग ऑन योर फेस. ओके, इफ इट इज टोटली ड्राई लाइक माइन. ओके, ना आई एम मेकिंग लाइक आई एम अप्लाइंग फॉर एवर 52 फाउंडेशन एंड मेबेलिन वन. आई एम मिक्सिंग बोथ द वन एंड अप्लाइंग ऑल ओवर माई फेस. तो मैं दोनों फाउंडेशन को अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी. ओके, सो आप जब इसे ऑल ओवर योर फेस अप्लाई करोगे सो मेक श्योर टू अप्लाई ऑल ओवर योर नेक एज वेल बिकॉज हमें फेस से वाइटिश गोरी दिखने के बाद लाइक नेक से डिफरेंट नहीं दिखना है. सो दोनों साइड्स पे आपको अप्लाई करना है. ठीक है, स्पंज जब आप लोगे सो मेक श्योर कि स्पंज मॉइस्चराइज हो, मतलब इन अ सेंस मॉइस्चराइज मीन्स नॉट यू हैव टू अप्लाई क्रीम
आपको इसे टैप के नीचे रखना है, एक दो बार ऐसा स्पंज को पंप करना है, दैट्स इट। एंड पूरा एक्सेस जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव करके, जब स्पंज एकदम सॉफ्ट 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 थोड़ा सा वाटरी लाइक फील काइंड ऑफ हो, वो नॉट वाटर निकलना नहीं चाहिए, पूरा वाटर एक्सेस जो भी रिमूव करके आपको फिर उससे डैप 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 करके फाउंडेशन अपने ऑल ओवर योर स्किन लगाना है। दिस इज़ द राइट वे टू अप्लाई फाउंडेशन विद द स्पंज एंड व्हेन यू हैव अ ड्राई स्किन। लाइक आपका ड्राई स्किन है तो आपको ये करना कंपलसरी है, ओके। इट डजंट मेक योर फेस लुक केकी और समथिंग, ये अच्छे से हेल्प करता है आपके फाउंडेशन को एब्जॉर्ब, लाइक एब्जॉर्ब नॉट लाइक टू गेट फिक्स और टू गेट लाइक प्रॉपर सेट होने में, ठीक है। ओके सो आई एम अप्लाइंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ कंसीलर, नॉट मोर, एकदम लिटिल अमाउंट ऑफ कंसीलर मैंने अपने आई एरिया पे अप्लाई किया है। ओके ना आफ्टर अप्लाइंग ऑल दिस आई विल बी डूइंग माय आईज नाउ, ओके। और यू कैन डू आईज बिफोर एंड देन यू कैन गो फॉर दिस। ओके तो मैं सबसे पहले सिर्फ ब्लैक आई शेडो है जो कि ऑल ओवर माय आईलिड एरिया अप्लाई कर दूंगी। एंड आपको जितना डार्क चाहिए आप उतने डार्क के हिसाब से अप्लाई करो। मैं काफ़ी लाइट अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज अगर लाइक डार्क भी कर सकते दैट्स नॉट एन इशू, बट मैं हल्का अमाउंट ऑफ अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैं आई शेडो को जो भी है लाइटर अमाउंट में जहाँ तक मुझे इसे अप्लाई करना है वहाँ तक मैं अप्लाई कर दूंगी। ओके फिर आई एम अप्लाइंग अ काजल ओवर यू लाइक थोड़ा डार्कनेस के लिए। फिर आपको लाइक रॉकी काजल अप्लाई करना है, बट मेक श्योर कि लाइक कॉर्नर पे ज़्यादा नहीं जाना है आपको। कोई भी फिंगर टिप लेना है उससे आपको इसे स्मॉच कर लेना है। जब आप इसे स्मॉच कर रहे हो मेक श्योर ये जो लास्ट वाले आई लीड का कॉर्नर है उधर से आपको इसे इनर साइड में लेना है और वो वाली साइड से मतलब दोनों साइड से आपको इसे अंदर की तरफ मूव करना है, ठीक है, नॉट आउटर साइड ज़्यादा जाना है। फिर अब मैंने ब्राउन शेड एकदम डार्क ब्राउन जो भी शेड्स होगा वो शेड लिया है एंड इसकी कट क्रीज मतलब क्रीज एरिया पे नॉट कट क्रीज क्रीज एरिया पे इसे अप्लाई किया अच्छे से। और फिर बाद में मैंने इसे सेकेंड वाले ब्रश से स्मच कर दिया कि लाइक उन लोग दोनों के बीच में एक प्रॉपर हैश लाइन या ऐसा डिफरेंट ना लगे, ठीक है, दैट्स इट। नाउ मैंने ब्लश ले लेना है हल्का सा अमाउंट ऑफ, तो मैंने पिंकिश और एक क्रीमी मिक्स करके हल्का बिकॉज पिंक बहुत ज़्यादा पिंक हो जाता है तो इसे एक्सेस को निकाल के एकदम हल्का 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 अप्लाई करना है। आई एम नॉट सो मच एडिक्टेड टू ब्लश और समथिंग कि मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लश या पिंकिश लगना है, तो मैं बहुत हल्का अमाउंट ऑफ ब्लश लगाती हूँ, तो दिस इज इनफ। ओके Now I'll be applying a red lipstick that is from MAC रूपी वो एंड आई अप्लाइड ऑल दैट मतलब वो मैंने अप्लाई कर दिया, वो काफ़ी नहीं ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, तो उसे मुझे निकाल के लगाना होता है, ठीक है। ना आई एम टेकिंग अ ब्रश जिसे मैंने ऊपर वाले क्रीज एरिया में जो ब्राउन शेड अप्लाई किया था वही मैं नीचे वाले आईलिड्स मतलब नीचे वाले साइड्स पर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। And that's it. So it is done. Now you can apply highlighter if you want to. You can apply glitters if you want to or anything, whatever like you want to. But for me, this is enough. Mascara apply कर लीजिए जो मैं भूल गई थी. That's it. And it is done. For me, it is over. Like इतना काफी है. So guys, if you like my video, make sure to comment, subscribe below, and I don't know, अभी मैं second भी शायद makeup video बनाऊँ, vlog बनाऊँ, या कहीं घूमने का बनाऊँ, I'm not aware of. Okay, so ta-ta, bye-bye, enjoy.